अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शर्मिला फारूकी और मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी एक और पसंदीदा मज़ेदार रेसिपी लेके। और आज की रेसिपी का नाम है पैन सियर्ड फिश विथ ऑरेंज जेस्टी सॉस। वाह, साउंड्स सो गुड। और आज हम अगेन इस्तेमाल कर रहे हैं रेड स्नैपर, और ये मेरे पास रेड स्नैपर है। रेड स्नैपर फिश फिले, वाइट फिश, और मैंने इसकी दुम काट दी है, और ये है इसकी दुमची, और मैं इसकी दुमची को भी इस्तेमाल करूँगी। सो सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। मेरे पास यहाँ तकरीबन 4 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर है, मक्खन है। उसके अंदर मैं डालूँगी जनाब 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, समझें 1.5 टीस्पून चॉप गार्लिक, आधी से भी कम नमक, आधी टीस्पून से कम नमक, और ये मेरे पास कुटी हुई काली मिर्च है, ये मैं डाल देती हूँ जनाब 1 टीस्पून, ठीक है। और ये मेरे पास पार्सली है, चॉप पार्सली, फ्रेश चॉप पार्सली, ये मैं इसमें सारा का सारा डाल रही हूँ, ये है 2 टीस्पून। हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तरीके से मिक्स करना है, और ये हमारी फिश की मैरिनेशन है, ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी है तो आप ज़रूर इसको ऐड करें, इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। अच्छा, फिश में हमेशा यूज़ करने से पहले मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं उसको लीमू के रस में और लहसुन के पेस्ट में भिगो के रखती हूँ, मैरिनेट करके रखती हूँ, फिर मैं उसको धो लेती हूँ कम से कम आधा घंटा, क्योंकि वो जो फिश की एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है मुझे पसंद नहीं है, आई लाइक टू रिमूव इट। अच्छा, अब जब भी हमारा मैरिनेशन हो गया, हमने बड़ी जेनरसली इसको फिश के ऊपर लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हम इसको मैरिनेट करते हैं, एंड ये भी और मैरिनेट करके हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए, या अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसको अलग से रख दीजिए, फ्रिज में रख दें, फ्रिज के बाहर रख दें ढाँप के, और फिर हम बनाने आएंगे जेस्टी ऑरेंज सॉस। ओके जी, हमने अपने इस फिश को बड़ी जेनरसली दोनों साइड से मैरिनेशन लगा के, बहुत जेनरसली इसको हमने मैरिनेट करने रख दिया है। इसको हम 15 से 20 मिनट मैरिनेशन करके छोड़ देंगे, और अब हम जा रहे हैं अपने ऑरेंज जेस्टी सॉस बनाने के लिए। हल्की आँच पे मैं चूल्हा गर्म कर लूँगी, और ये मेरे पास फ्रेश ऑरेंज जूस है। फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल के मैंने इसको छान लिया है, और मैं तकरीबन इसमें 2 कप इसको डाल दें, और मैं इसको हल्की आंच पे रिड्यूस करूँगी, थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ा सा रिड्यूस करूँगी। ओके जी, ये हमारा ऑरेंज जूस रिड्यूस हो गया है। इसमें मैं ये लेमन जेस्ट डालूँगी, ये तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून है जेस्ट, लेमन जेस्ट, सॉरी ऑरेंज जेस्ट, पार्डन मी, ये हम इसमें मिक्स करेंगे। मेरे पास ये अदरक है कटी हुई, ये 2 टेबलस्पून है, लेकिन मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी, ठीक है। इसको हम हल्के हल्के पकाएंगे, और रेड थाई चिली, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें टैंजी टेस्ट देना चाह रही हूँ, थोड़ा सा तीखा, मुझे मिर्ची थोड़ी पसंद है, तो ये मेरे पास 4 रेड थाई चिली कटी हुई हैं, बारीक कटी हुई, मैं इसमें से थोड़ी सी डाल दूँ, सारी नहीं डाल रही, समझे मैं 2 के करीब डाल दूँ, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी देर और पकने देना है ताकि, ओके जी, हमने इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाया है। उसके बाद मेरे पास ये ऑरेंज के पीसेस थोड़े से कटे हुए हैं, 2 से 3 मैंने लिए थे, उनको हाफ हाफ कर लिया, ये मैं डालना चाह रही हूँ। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसमें थोड़ा सा पकाऊँ, मुझे ये ग्लेज पसंद है। अच्छा जी, इसको 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता मक्खन ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून बाय 1 टेबलस्पून, ताकि हम थोड़ा सा उसमें चमक, सॉस में चमक आ जाए, ग्लेज आ जाए, ठीक है जी। अब मैंने ये इसको 2-4 मिनट और पकाया है, और मैं इसमें 1 टेबलस्पून अभी ऐड कर रही हूँ मक्खन, और मैं इसको बड़े हल्के हल्के, ये मैं सब हल्की आंच पे कर रही हूँ, मैंने तेज़ आंच नहीं करी है, मैंने बड़े हल्के हल्के आराम से मैंने इसको ग्लेज करना है, चमक देनी है, ठीक है।
टेबलस्पून डाला है और अब मैं दूसरा टेबलस्पून डालने जा रही हूँ। दैट्स अबाउट इट। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, ये ग्लेज हो जाएगा। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। एंड ओके जी, हमारा ये ज़बरदस्त जेस्टी ऑरेंज सॉस तैयार हो गया है एंड स्मेल सो गुड। इसको हम रख देंगे साइड में गरम गरम। और अब हमने जो ये फिश मैरिनेट की थी उसको हम इस पैन में, आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो प्लीज़ नॉन स्टिक पैन पे यूज़ करें। हमने कोई तेल कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने इसको बड़े प्यार से उठाना है, ऐसे बड़े प्यार से। और मैंने इसको ऐसे हल्का सा, बहुत हल्की आंच पे फ्राई होने के लिए रखना है, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं बहुत ही हल्की आंच पे फिश को स्टीयर कर रही हूँ। मैंने एक तरफ से पक गई थी तो मैंने इसको दूसरी तरफ कर दिया, टर्न कर दिया। आप देख रहे हैं हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। इसी साइड पर जाएगी तो हमें इसे निकालना है। मैं वन बाय वन करी क्योंकि मेरे पास जो नॉन स्टिक पैन है वो छोटा है, ठीक है। जब तक हमारी फिश तैयार हो रही है हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स बना लेते हैं। मुझे अपनी फिश के साथ हमेशा वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। ब्रोकली मेरी फेवरेट है, इसलिए मैंने कोई 7-8 फ्लोरेट्स ब्रोकली के ले लिए हैं। और ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत कलरफुल टिंकरबेल पेपर्स हैं। ये टिंकरबेल पेपर्स हैं, ये बड़ी शिमला मिर्च छोटे बेबी। और ये अगेन विद स्पेशल थैंक्स टू ब्लूम एग्रीटेक जिन्होंने मुझे ये भेजा है। मैं इसको ये खोल लेती हूँ। ये फ्रॉम फार्म टू शेल्फ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब इनको बनाऊँ। ये देखें, दिस इज सो प्रिटी। ये देखें, रेड ऑरेंज ग्रीन। सो रेड जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, फिर ऑरेंज होती है, फिर येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। तो मैं यहाँ पर एक येलो, दो येलो ले लेती हूँ, एक ग्रीन ले लेती हूँ, एक ग्रीन ले लेती हूँ और दो ऑरेंज ले लेती हूँ, ठीक है। और मैं इनको स्लाइसेस में काटूंगी। इसका हम ये सर काट देते हैं और इसको स्लाइस करते हैं। ये हमने इसके अंदर से ये निकाल लेना है, ठीक है। इसको मैंने ये इस तरीके से स्लाइस करना है इस साइज के अंदर। ये हमारी पैन सेयर्ड रेड स्नैपर तैयार है और ये कितनी प्यारी लग रही है। हमने हल्का सा इसको सिर्फ सेयर किया है दोनों तरफ से और ये तैयार है। अब हमने ये वेजिटेबल्स जो मैंने आपको दिखाई थी, टिंकरबेल्स, टिंकरबेल पेपर्स, ओह माय गॉड, दे आर सो ब्यूटीफुल, इनको हमने सॉटे करना है और इन फ्लोरेट्स को, ठीक है। तो मेरे पास पैन में जो ये बचा हुआ बटर और गार्लिक का जो ये सॉस जो फिश से निकला है, मैं उसी में इनको लाइटली सॉटे करूँगी। मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी और इसमें फिश का भी टेस्ट है तो इट विल कॉम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। ये मैं अपने टिंकरबेल पेपर डाल रही हूँ। वाह, कितने खूबसूरत कलर्स हैं। और इसी के साथ मैं अपने ये फ्लोरेट्स भी डाल रही हूँ। 3 से 4 मिनट हम इनको सॉटे करेंगे। जैसे ये तैयार होंगे हम अपनी फिश को डिश आउट करेंगे। खूबसूरत सी फिश को आपको दिखाते हैं। ओके जी, ओ वाओ, दिस लुक्स सो प्रिटी। ये देखिए, ये मैंने सर्विंग डिशेस के अंदर इसको डिश आउट कर लिया है। तो वेजिटेबल्स लुक सो प्रिटी। ये मैंने अलग से सॉस यहाँ पर डाल लिया है अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए। और ये मैं अपनी फिश के ऊपर डालूँगी लाइक दिस। Wow, this looks so amazing. ये आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा खाने में। दिस इज सो हेल्दी, सो गुड, सो यमी। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा। रेड स्नैपर पैन सेयर्ड विद जेस्टी ऑरेंज सॉस आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इन्जॉय। दुमची मैंने पहले ही खा ली है। और टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।